के साथ अपनी किचन में मूंग दाल के क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाने हैं। ये हाफ कप छिलके वाली मूंग की दाल है, इसको मैंने भिगो दिया था और ये अब भीग भी चुकी है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैं दर दरा ग्राइंड करूंगी। आधे घंटे में अच्छी दाल भीग जाती है। अगर आपको जल्दी बनाने हैं तो इसको गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज, हरा धनिया, जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्चें और गार्लिक जो है इसको मैं दाल में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। और धनिया और प्याज को मैं और जिंजर को मैं बारीक चॉप कर लूँगी। दाल को लहसुन और चिली के साथ ग्राइंड कर लिया। इसको दरदरा ही रखा है, फाइन पेस्ट नहीं बनाया इसका। और इसको मैंने पानी के बिना ग्राइंड किया है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है इसमें। अब इस दाल को मैं इस बाउल के अंदर डाल दूंगी। अब इसके अंदर प्याज, हरा धनिया, जिंजर, ये सब कटी हुई चीजें इसके अंदर डाल दी। अब मसाले डालेंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पकौड़े बनाने के लिए मिक्सचर तैयार है। गैस के ऊपर मैंने पैन रख दिया है और इसके अंदर ऑयल भी डाला हुआ है। ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है, इसको हम चेक करते हैं। पकोड़े तलने के लिए ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब पकोड़े तलना स्टार्ट करते हैं। पकोड़े स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं और हाथ से भी डाल सकते हैं। दाल के पेस्ट के अंदर मैंने ना तो मैंने इसमें बेसन डाला है, ना राइस फ्लोर डाला हुआ है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है मैंने इसके अंदर। तो इसलिए इसमें जो पानी है वो अगर बिना पानी के पीस सकते हैं तो बिना पानी के इसको पीसें। इनको पलट देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर दें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्राई हो चुके हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनको टिश्यू के ऊपर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर और डाल देंगे। इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे इनको भी निकाल लेंगे। बन चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में। सारे पकोड़े बन चुके हैं, अब मैं इनको सर्विंग प्लेट में सर्व कर दूंगी। ये मूंग दाल के पकोड़े टेस्टी होने के साथ साथ क्रिस्पी भी हैं। बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट है ये। इनको धनिया चटनी, सॉस, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ। बाय।